यहाँ पे आपको बड़ी सी हनुमान जी की मूर्ति देखने के लिए मिल जाएगी। और यहाँ पर तो पूरा जो है ये टेंपल बना हुआ है, टेंपल के नीचे भी जो है काफी बड़ी प्रॉपर्टी है जहाँ पर आपको बैठ करके लोग ध्यान करते हैं। यहाँ इस लोकेशन को जैसा मेन जो है नीम करौली बाबा और मौनी माई के लिए जाना जाता है, उन्हीं के लिए यहाँ पर कोई ये जो है टेम्पल है जो है बनाया गया है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूँ रोहित और आज आपको मैं दिखाऊंगा भक्ति धाम नखुचिया ताल के पास जो है जहाँ पर आपको बड़ी सी हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है। तो काफी ब्यूटीफुल लोकेशन है ये जो आप रास्ता देख रहे हैं दोस्तों। इसी रास्ते से होते हुए आप नखुचिया ताल को जाएंगे। आज यहाँ पर तो मौसम बहुत ज्यादा सुहावना है, थोड़ी सी यहाँ पर कुछ धूप भी देखने के लिए मिल रही है, बादल भी देखने के लिए मिल रहे हैं और मौसम हल्का हल्का कहीं कहीं से नीला हुआ है। इस रास्ते में इस मौसम में ट्रैवल करने का अपना ही मजा है। कुछ ही दूरी पे आगे चल के ये मैं पहुंच गया भक्ति धाम पे। अभी मैं आगे जो है बाइक पार्क करूंगा और अभी अंदर आपकी जो है मैं आपको नजारे दिखाता हूँ। तो दोस्तों हम यहीं पे कहीं पे स्पेस देख के जो है मैं बाइक को पार्क कर देता हूँ। चलो बाइक पार्क यहीं कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने कर दी है बाइक पार्क और यहाँ से मैं आगे पैदल पैदल जा रहा हूँ। ये जो भक्ति धाम है इसके आसपास में जो है काफी सारी यहाँ पर को दुकानें भी हैं, जो कि आपको वीडियो में दिख ही रहा होगा। इसके आसपास जो है रेस्टोरेंट भी है जहाँ पर को आप बढ़िया खाना भी खा सकते हैं। ये जो कुछ रास्ता है यहाँ से नीचे को एक गुफा है, वहाँ को ये रास्ता जा रहा है। अभी आगे दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ के नज़ारे। ये देखिए कितने सारे लोग यहाँ पर को जो है टेम्पल जो है देखने के लिए आए हैं। सबसे खूबसूरत बात तो दोस्तों ये है कि यहाँ का मौसम देखिए कितना खूबसूरत है। मौसम इतना ब्यूटीफुल हो रहा है, इतना ब्यूटीफुल हो रहा है आज यहाँ पे कि बहुत ज्यादा अच्छा यहाँ पर को मौसम हो रहा है। इस मौसम में यहाँ आना तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि बहुत ही इस टाइम पे अच्छी लोकेशन है जाने के लिए। ये है यहाँ का मेन गेट और अभी ये आगे तक जो है काफी बड़ा सा टेम्पल है। ये देखिए कितना सुंदर मौसम यहाँ पे आज हो रहा है, कितना ब्यूटीफुल मौसम हो रहा है। यहाँ पर वो जैसे जैसे मैं आगे चल रहा हूँ यहाँ पर वो अभी फिलहाल तो गाड़ियां देखने के लिए नहीं मिल रही है, कुछ कुछ ही आ रही हैं, देख सकते हैं आप लोग। अभी जो है उत्तराखंड में जो है लोग कई सारे जो है बाहर से घूमने के लिए आते रह रहे हैं, तो लाइन बारी से जो है गाड़ियां यहाँ पर निकल रही हैं और ये सामने भी दुकान है इसके। और देखिए दोस्तों ऊपर देखिए मौसम कितना ही ज्यादा सुहावना यहाँ पर आज हो रहा है। ये यहाँ पे कुछ फ्लेक्सी भी लगी हुई है यहाँ की अपडेट्स के रिगार्डिंग। ये कुछ लोग यहाँ पर वो गाड़ी जो है इस तरीके से पार्क कर देते हैं, फिर लोग आने जाने में दिक्कत होती है। अभी हम चलेंगे भक्ति धाम में अंदर, फिर अंदर के मैं अभी आपको इस मौसम में नज़ारे दिखाता हूँ यहाँ पे आपको कैसा लगेगा। दोस्तों ये यहाँ पे शूज पहनने में जाते हैं तो जूते उतार सकते हैं। अब जूते उतारने के बाद किस गेट से होती है मेरी एंट्री भक्ति धाम के अंदर, जो कि कुछ ऐसा नज़र आता है। ये देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत टेम्पल जो है ये है। ये तो सिर्फ अभी ऊपर का एरिया है, अभी यहाँ से नीचे भी जो है काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है। यहाँ पे कुछ जो है पॉइंट्स भी लिखे गए हैं, दूसरी बात आपको ध्यान रखूँगा। और ये मैं चला भक्ति धाम में मंदिर के पास। यहाँ पर तो दोस्तों ये एक टेम्पल है जहाँ पे आप जो है यहाँ पे पंडित जी मिल जाएंगे प्रसाद वगैरह देने के लिए। तो यहाँ पे कुछ लोग फोटोज वगैरह भी क्लिक कर रहे हैं। ये यहाँ पे काफ़ी सारी बड़ी हनुमान जी की मूर्ति देखने के लिए मिल जाएगी आपको, जो यहाँ पे जो है यहाँ का अट्रैक्शन बनती है। और मौसम देखिए कितना इस टाइम पे सुहावना हो रहा है, इस मौसम में तो
इस लोकेशन में आना वर्थ इट है, यहाँ पे आके जो है बहुत ही मजा आ जाएगा इस लोकेशन में आकर के। अभी तो दोस्त में सिर्फ ऊपर की प्रॉपर्टी है, नीचे तो बहुत ज़्यादा और ऑसम प्लेस है ये। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो डिटेल में बनाई हुई है, अगर आपको डिटेल में देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। ये देखो कितना ही खूबसूरत आज मौसम हो रहा है, कितना ऑसम यहाँ पे नज़ारा हो रहा है, मज़ा ही आ गया है आज तो यहाँ पे आकर के। ये यहाँ पर तो शिवलिंग लगा हुआ है, अभी हम करते हैं शिव जी जी के दर्शन, और दर्शन करने के बाद अभी आगे आपको मैं नज़ारे दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों क्या ब्यूटीफुल जो है नज़ारा है, कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है, आसमान में काले काले बादल हैं, बारिश जो है बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अभी बारिश थोड़ी देर में हो ही जाएगी, क्योंकि इतने ज़्यादा जो है काले काले जो है बादल हो रहे हैं, और नीचे को जो है पूरा देखिए यहाँ से हिल्स का व्यू दिखता है। इस नज़ारे को भी देखने के लिए दोस्तों दूर दूर से लोग यहाँ पर को आते हैं, इतना ब्यूटीफुल ये नज़ारा होता है कि बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल होता है। इसीलिए दोस्तों उत्तराखंड अपने ही खास जो है नज़ारों के लिए ही जाना जाता है। बहुत सुंदर मौसम हो रहा है दोस्तों। अभी मैं आगे जो है यहाँ पे नीम करौली बाबा और मौनी माई की जो मूर्ति है वो दिखाता हूँ अभी आपको। ये है बाबा नीम करौली महाराज जी, जो कि इनको स्थित यहाँ पे कर रखा है इन्होंने। चलो तो हम दोनों दर्शन करते हैं। दोस्तों इसी के ठीक बगल में जो है यहाँ की मौनी माई जो है इनका इनकी जो है मूर्ति लगी हुई है। अभी दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे कुछ अभी आयोजन भी होने वाला है शायद, उसी वजह वहाँ पर वो फ्लेक्सी लगी थी। और ये नीचे पूरी प्रॉपर्टी है जहाँ पे लोग ध्यान भी करते हैं, ऐसा सुना है मैंने इनके बारे में। ये देखो कितना ही बढ़िया नज़ारा है, कितना ही खूबसूरत नज़ारा है। ये प्रॉपर्टी जो है काफ़ी ज़्यादा बड़े एरिया में यहाँ पर को बनी हुई है। ये देखो कितना सुंदर मौसम आज यहाँ पे हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रहा है। ये यहाँ पर तो जो है कुछ रेलिंग्स में भी कुछ इन्होंने लगाया हुआ है, ये कुछ सीमेंट से कुछ अलग जो है चीज इन्होंने यूज की है, और यहाँ से नीचे को नज़ारा कुछ यहाँ पे आपको ऐसा दिखेगा। कई सारे लोग आपको सामने दिख भी रहेंगे, हनुमान जी की फोटो मूर्ति के सामने फोटो भी क्लिक करने हैं। वो जो पॉइंट है खास फोटो क्लिक करने वालों के लिए ही जो है लगाया गया है, उसे बनाया गया है। इसी के साथ हनुमान जी के दर्शन करते हुए अभी मैं आपको दिखाता हूँ अभी आगे के नज़ारे। और ये देखिए दोस्तों ये तो क्या है, ये नकुचिया ताल का एरिया जो है थोड़ा सा एक हाइट पे है, और यहाँ से जो है ये देखिए दोस्तों अभी पंडित जी जो है यहाँ पे प्रसाद दे रहे हैं लोगों को। हाँ तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था यहाँ पे जो नीचे जो नज़ारे दिखते हैं बहुत सुंदर नज़ारे दिखते हैं, क्योंकि ये पहाड़ों में काफ़ी ऊंची जगह पर को है, तो बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पे नज़ारे देखने के लिए मिलते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर को टाइम स्पेंड करने के लिए आते हैं, देखिए बच्चे घूम रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए एकदम ग्रीनरी ग्रीनरी, कितना सुंदर कितना सुहावना मौसम हो रहा है आज, बहुत ही सुंदर मौसम हो रहा है। ये जो ये मौसम आपको बस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मानसून में ही नजर आएगा, सिर्फ मानसून में ही यहाँ पे इतनी सारी ग्रीनरी और इतना अच्छा सुंदर मौसम देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। ये देखिए दोस्तों टेंपल का पीछे का एरिया है, आज तो दोस्तों मजा ही आ गया यहाँ पे आकर। इस मौसम में उत्तराखंड घूमने की बात ही कुछ और है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, ऐसे ही अमेजिंग नज़ारों के लिए आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपकी कोई राय है तो उसे कमेंट कीजिए। दोस्तों आप कमेंट में मुझे बताइए कैसी लगी आपको ये वीडियो।